आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। तापमान से ज्यादा तपेश इस वक्त यूपी की राजनीति में देखने को मिल रही है। दरअसल यूपी में विधानसभा चुनाव के बाद अब राज्यसभा चुनावों की गूंज चारों तरफ सुनाई दे रही है। इसको देखते हुए भाजपा के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। तो चलिए एक नजर डालते हैं भाजपा के उन 8 प्रत्याशियों पर जिन्होंने आज नामांकन किया। उत्तर प्रदेश की 11 राज्यसभा सीटों के चुनाव के लिए राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के सभी 8 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह तथा अन्य वरिष्ठ भाजपा नेता मौजूद थे। दरअसल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कुल 31 सदस्य चुने जाते हैं, जिनमें से 11 सदस्यों का चुनाव हो रहा है। इसके लिए मतदान आगामी 10 जून को होगा। सपा के 3 प्रत्याशी पहले ही नामांकन भर चुके हैं। जिन 11 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है उनमें से भाजपा के 5, सपा के 3, बहुजन समाज पार्टी के 2 तथा कांग्रेस के 1 सदस्य का कार्यकाल जुलाई में समाप्त हो रहा है। भाजपा के राज्यसभा प्रत्याशी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, राधा मोहन दास अग्रवाल, सुरेंद्र सिंह नागर, बाबूराम निषाद, दर्शना सिंह, संगीता यादव, मिथिलेश कुमार, के लक्ष्मण। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आबादी पिछड़ा वर्ग की है, लिहाजा भाजपा की चुनावी रणनीति में इस वर्ग की विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। अभी राज्यसभा के जो 8 प्रत्याशी घोषित किए हैं, उनके सहारे भी लोकसभा चुनाव के लिए जाति क्षेत्रीय समीकरण साधने का प्रयास दिखा है। कुल प्रत्याशियों को देखें तो पिछड़ा वर्ग से सुरेंद्र सिंह नागर, बाबूराम निषाद, संगीता यादव और डॉक्टर के लक्ष्मण हो गए। सवर्ण वर्ग से डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, डॉक्टर दर्शना सिंह और डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल हो गए। दलित वर्ग इसमें छूट रहा था, जिसका समायोजन मिथिलेश कुमार को प्रत्याशी बनाकर दिया गया है। 15 राज्यों के कुल 57 राज्यसभा सीटों के लिए 10 जून को राज्यसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। इन सभी सीटों के लिए सदस्यों के कार्यकाल जून से अगस्त के बीच समाप्त होने हैं, जिसको लेकर सभी पार्टी के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। वहीं कई दिग्गजों का पत्ता भी इस बार कट गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।